हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रबलित रचनाओं संबंधित प्रास लैब संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो इसका जो अभिकल्पन होता है बिल्कुल सेम एकल प्रबलित धरण कंक्रीट जो हमारा धरण होता है बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है, इसलिए इसका अभिकल्पन हम नहीं बता रहे हैं, जाके आप देख लीजिएगा। बस इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होती है, जैसे इनका जो सिग्मा भी होता है सिग्मा एसटी, इनके मान थोड़े से अलग होते हैं, और तो बस वही आपको चेंज करना, और कुछ दिन ज़्यादा इसमें नहीं होता। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें प्रास्लैब संबंधित एक क्वेश्चन है, यही दिया गया आपको। क्वेश्चन ये दिया गया कि खिड़की से 600 सेंटीमीटर बाहर बढ़े हुए प्रबलित ईंट की एक सनसेट का अभिकल्पन कीजिए। देखिए, कहा कि खिड़की से बाहर बढ़े हुए, मतलब जो हमारा स्लैब होगा कैंटिलीवर स्लैब हो जाएगा, ठीक है। अभिकल्पन करना जिस पर 750 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का चल भार आ रहा है, छायामान की छड़ों की को स्थरण के लिए लेंटल के भीतर ले जाना का प्रावधान है, इतना सिग्मा सी बराबर 2.5, सिग्मा एसटी बराबर 230, एम इज इक्वल टू 40, और प्रबलित का भार दिया गया यहाँ से 200 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ से टाउ बी इज इक्वल टू 1.1 न्यूटन, टाउ बी डी इज इक्वल टू, देखिए टाउ जो हमारा टाउ बी डी दे दिया, यहाँ से यहाँ जो हमारा कर्तन बल और यहाँ से विकास लंबाई में इसका यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से जो हमारा कर्तन बल की जांच और विकास लंबाई की जांच थोड़ी सी उससे धरण से हमारी अलग होती है, तो उसको मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम मान लीजिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, जिसमें देखिए हमारा मान छज्जा का एक प्लास स्लैब की बात हमें कल्पना करना, तो हमारा छज्जे के लिए हमारा 20 × 10 × 5 माप की 50 लगाए जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये ईंट का है तो इसमें ईंट जरूर लगेगा स्लैब में, तो हमारी ईंट में मान ली स्लैब में मान ली थोड़ी सी मोटाई कम होती है, तो 20 × 10 और 1 × 5 है, तो इसलिए देखिए 5 जिसकी मोटाई होगी तो हमारा यहाँ से जो छज्जे की जो हमारी गहराई हो जाएगी, जो हमारा ईंट की जो हमारी मोटाई होगी वो इसकी गहराई होती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो अब ये देखिए हमारा सब सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा ये 50 mm, ठीक है। और देखिए हमारा जो ये स्लैब है, तो स्लैब के लिए हमने बताया कि बी बराबर हम 1000 ही लेते हैं, ठीक। तो फिर हमारा बी बराबर 1000 mm आ जाएगा, फिर इसके बाद हमें छज्जे पर भार याद करना होता, तो छज्जे पर भार, अच्छा जी भार यहाँ तो देखिए हमें क्या करना, पहले हमारा जो होता है इसमें चल भार देखिए हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × b बराबर, देखिए इसको इस हमारा मिलीमीटर में, इसको चेंज करोगे मीटर में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × अब यहाँ से लोड जितना होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा प्रति मीटर का, इसमें यहाँ से चेंज करोगे आ जाएगा ये 750 N/mm², ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ गया 750, सॉरी देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ से यही था 750 ही था, हमने ज़्यादा लिख दिया, तो हमारा 750 होता है, हमारे चेंज करने हमारे ये 750 ही आ जाएगा, चल भार याद होगा। फिर हमें चल भार के बाद हमें याद करना था स्वयं का भार देखिए 1, अब यहाँ से b बराबर 1000 चेंज करोगे उसमें मीटर में 1 हो जाएगा, इंटू देखिए यहाँ से हमारा ये गहराई सी 50 mm है, तो चेंज करोगे इसको आप उसमें mm, देखिए मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज करना है मीटर में, तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, और आगे हमारा जो दे दिया गया है यहाँ से दे देगा 20000, तो हमारे जो कि हमें ईट है जिसके 20000, नहीं तो उससे ना जो हमारा कंक्रीट होता है उसके लिए हम 25000 लेते थे, तो यहाँ पर हमें 20000 लेना है, तो इसको देखिए आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आप ये 1000 Nm², तो आप ये दो लोड आ गए, दोनों लोडों का योग करोगे तो आपका कुल जो भार आ जाएगा, कुल भार बराबर 1750 N/m, ठीक है, ये हमारा न्यूटन मीटर में याद होता है। फिर इसके बाद हमें देखिए अधिकतम बंकन आघूर्ण याद करना, अधिकतम बंकन आघूर्ण धरण भी याद करते थे, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ से हमारा हो जाएगा अधिकतम बंकन आघूर्ण का देखिए फार्मूला होता है m = WL² / 2, क्योंकि देखिए ये हमारा कैंटिलीवर है, इसलिए W² / 2 होता है, अगर सुदलंबी संबंधित भार होता सुदलंबी धरण के लिए तो उसमें W² / 8 होता है, यहाँ चूँकि हमारा देखिए कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर देखिए यहाँ से है, तो हमारा कैंटिलीवर यहाँ से यहाँ तक जो इसका है 600 माप है, और फिर हमारा 750 का रोड आ रहा है, यहाँ से कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर के लिए W² / 2 करते हैं, तो W बराबर जो हमारा मान है 1750, L बराबर 0.6 whole² / 2, सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 3.5 × 10³ ठीक है, न्यूटन मिलीमीटर। तो हमें देखिए यहाँ से अधिकतम बंकन आघूर्ण ज्ञात होगा, फिर इसके बाद बंकन आघूर्ण ज्ञात करने के बाद हमें छज्जे की गहराई ज्ञात करनी होती है, यहाँ से छज्जे की गहराई जिसके लिए देखिए हमारा जेम इज वर्ल्ड फार्मूला होता है 0.34 BD², ये जो हमारा फार्मूला होता है, देखिए जो यहाँ पर ये जो हमारा है m = होता है q
बी डी स्क्वायर, जहाँ क्यू बराबर 0.34, 0.34 तब होगा जब जब सिग्मा सी बी इजल्ट होगा 2.0 और सिग्मा एस टी इजल्ट होगा 230 और यम इजल टू 40। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ से Q का मान होगा 0.34 होगा, जिसको आप याद कर लीजिएगा 0.34। तो यहाँ से हम D का मान अगर निकालेंगे तो अंडर रूट MR 0.34 इंटू बी। अब देखिए यहाँ से MR का हमें वैल्यू पता है 1 इंटू 31, यहाँ से हो जाएगा 5000। तो यहाँ से आप 0.34 इंटू बी बराबर हमें पता है 1000, अंडर रूट कर लेते हैं, टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आ जाएगा 30 mm आ जाएगा, ठीक है। 30 mm मान लीजिए हमारे ये डी आ गया। अब प्रभावी आवरण हम देखिए, अगर प्रभावी आवरण हम मान ले रहे हैं कि अगर हम प्रभावी आवरण मान लेते हैं, प्रभावी आवरण थोड़ा हवा चल रही है तो पन्नी से बुढ़ जा रहा है, तो हवा देखिए प्रभावी आवरण हम मान लेते हैं 20 mm अगर मान लेते हैं तो हमारी जो टोटल डेप्थ आ जाएगी वो यहाँ से हो जाएगी 50 mm, ठीक है। यहाँ से देखिए छज्जे की हम गहराई जाते हैं, फिर हमें प्रबलन इस्पात ज्ञात, चूँकि देखिए ये हमारा है स्लैब, स्लैब में हमें प्रबलन इस्पात ज्ञात करना होता है, वितरण इस्पात ज्ञात करना होता है, तो हमारा जो यहाँ से आ जाएगा चौथा स्टेप आ जाएगा प्रबलन इस्पात। तो प्रबलन इस्पात हमें क्या करना है, प्रबलन इस्पात जो हमारा फॉर्मूला होता है ST इक्वल टू MR अपन सिग्मा ST इंटू जेड, जबकि जेड बराबर यहाँ होता है 0.9 इंटू डी। तो MR बराबर हमने पीछे निकाला है 31,500, तो यहाँ से या सीमा एस टी बराबर दिया गया है 230 और यहाँ से जेड बराबर हमें पता है 0.90 और डी बराबर अभी हमने निकाला है 30। तो यहाँ से आप चीज़ को चेंज करोगे तो आ जाएगा आपका 51 mm². अब देखिए हमें प्रॉब्लम इस बात निकाला था, इसके लिए हम एक मान लीजिए 6 mm व्यास या हमें छड़ का प्रयोग करते हैं जिससे हमें अंतराल इसका ज्ञात हो जाएगा। तो मान लीजिए 6 mm व्यास की छड़ों का प्रयोग करते हुए अंतराल हमें ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है हमें जानते हैं कि 80 इंटू 1000, यहाँ से 80 इंटू 1000 अपन ESG, तो 80 बराबर जो हमारा आ जाएगा इसके लिए 28, 6 mm के लिए 28 होता है, यहाँ से 1000 कर देंगे बाय, यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा ये 51। अब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 549 mm, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ज्ञात हो जाएगा हमें। फिर हमें देखिए इसमें ज्ञात करना होता है वितरण इस्पात, तो हमें वितरण इस्पात के लिए हमारे याद देता है ये 5वां स्टेप। देखिए स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो वितरण इस्पात देखिए हमें क्या फार्मूला होता है, चूँकि इस्पात का खंड जो माप होता है 0.15% लिया जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल खंड का माप 0.15%, तो 0.15%, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी इंटू कैपिटल डी, ठीक है। तो 0.15 / 100 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 50। अब ये 1000 डी बराबर 1000, डी बराबर हमें यहाँ से कैपिटल डी बराबर हमारा 50 है और बी बराबर 1000 है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 75 mm², ठीक है। तो यहाँ से 75 mm² हमें ये चीज़ पता चल गया वितरण इस्पात का। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, हम भी अपना मानक व्यास का छड़ मानेंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं 6 mm व्यास की छड़ प्रयोग करने पर अंतराल जो हमारा हो जाएगा यहाँ से देखिए 6 mm व्यास का हमारा हो जाता है 28, क्योंकि 80 × 1000 / ST होता है, तो 6 mm का हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा एक छड़ का क्षेत्रफल हमारा 28 गुणे हो जाएगा यहाँ से 1000 / ST, इसे भी हमने निकाला यहाँ से 75। तो आप सॉल्व करो आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 373 mm, ठीक। वितरण इस्पात का हमें क्या था, हमें क्या करना होता है जाँच करना होता है, तो यहाँ से कर्तन जाँच थोड़ा सा अलग है धरन से, यहाँ से हमें कर्तन की जांच कर्तन जांच के लिए हमें क्या करना, पहले कर्तन बल ज्ञात करना होता है, हमारा इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कर्तन बल बी बराबर होता है W इंटू L। अब देखिए चूंकि प्रास धरन इसलिए W इंटू L होता है, अगर ये शुद्ध लंबित हमारी धरन होती उससे संबंधित भार होता है W² / हमारा 2 हो जाता है, यहाँ से W इंटू L होता है, तो W बराबर हमें पता है 1750 L बराबर 0.6, तो चेंज करवा जाएगा आपका 1050 newton, तो यहाँ से हमें बी पता चल गया। फिर हमें टाओ बी ज्ञात करना होता है, तो टाओ बी बराबर जहाँ से फॉर्मूला होता है बी अपान बी इंटू जेड, ठीक है, वहाँ जो था बी अपान बी इंटू डी होता है, तो यहाँ पर जेड हो जाता है, तो यहाँ से हमें बी बराबर हमने निकाल लिया 1050 बी बराबर 1000 जेड बराबर 0.9 × d, डी बराबर हो जाएगा 30, तो यहाँ से आप चेंज करोगे 0.04 newton/mm². देखिए यह मान जो हमारा है 0.1
न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर से कम है, ठीक है। चूंकि हमें जो यहाँ पर टाउ बी का हमें मान दिया गया क्वेश्चन में, तो क्योंकि उससे हमारा ये मान कम है, अतः कर्तन में प्राप्त प्राप्त जो हमारी यह है सुरक्षित है, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया था ना, टाउ बी इज इक्वल टू इतना और टाउ बी डी इज इक्वल टू इतना, तो टाउ बी 0.1 है, यहाँ से हमारा जो हमने टाउ बी निकाला तो हमारा टाउ बी 0.04 है, तो जो कि ये इससे कम है तो हमारा ये क्या होगा, प्रासलय हमारा सुरक्षित होगा कर्तन में, ठीक है। तो प्रासलय हमारा कर्तन बल की जाँच हमारी हो गई। फिर यहाँ से हमारा आता है सातवां स्टेप, सातवां स्टेप हमें जो याद करना होता है अभिलाग, अभिलाग में जाँच, ठीक है। अभिलाग में जाँच याद करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है टाउ बी डी इज इक्वल टू बी अपान समेसन ओ इंटू जेड। यहाँ देखिए समेसन ओ जो एक मीटर चौड़ी पट्टी में डाली गई तनन छड़ों का परिधि होती है, ठीक है। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो हमारा टाउ बी डी इक्वल टू आ जाएगा बी बराबर, देखिए हमने निकाल ही लिया ऊपर, तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 1050 समेसन ओ, समेसन ओ बराबर जो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है पाई इंटू फाई इंटू 1000 बाई एस, ठीक है। अब इंटू जी बराबर 0.9 इंटू डी बराबर 30, तो यहाँ से इसमें देखिए हम मान रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1050, तो 5 बराबर देखिए हमारा हो जाएगा 22/7, यहाँ से 22/7, और 5 बराबर जो कि हमें 6 एमएम खंडे को छड़ मान है तो 6 एमएम व्यास है, यहाँ से 1000/5 गुणे 0.920/30। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.49 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपका ये टाउ बी डी की वैल्यू आई, जबकि देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है एक, आपको टाउ बी डी की वैल्यू यहाँ से दिया गया है एक, यहाँ आपको 0.49, तो आता हमारा यमान जो हमारा होगा 1 न्यूटन एमएम स्क्वायर से कम है, अतः अभिलाग प्रासलय में हमारी क्या होगी सुरक्षित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।